खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक और किसान की मौत हो गई है। धरने के दौरान मंगलवार को पटियाला के रहने वाले कर्नेल सिंह, जिनकी उम्र 50 साल थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। 15 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के दौरान ये 8वीं मौत है। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। किसान अभी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हरियाणा में बॉर्डर पर सड़कें खोली जा रही हैं। आज किसान मजदूर मोर्चा यानी कि एएम और संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली कूच पर चर्चा करेंगे। 28 फरवरी को ये फैसला फाइनल हो जाएगा। वहीं किसान मजदूर मोर्चा के श्रवण पांधेर ने कहा कि केंद्र और पंजाब के कुछ अफसर कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस पर FIR को लेकर केंद्र किसानों पर वार्ता टूटी है, मगर ऐसा नहीं है। बातचीत कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती के प्रस्ताव से टूटी है। हम MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, इसी की वजह से वार्ता में अड़ंगा लगा हुआ है। किसानों के दिल्ली कूच के टालने के बाद हरियाणा की सड़कें खुलनी शुरू हो गई हैं। पहले दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से सटे सिंधु और टिकरी बॉर्डर को अस्थायी रूप से खोल दिया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले कुरुक्षेत्र में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की सर्विस रोड भी खोल दी है। यहां लगाई गई सीमेंट की बैरिकेडिंग को JCP से हटाया गया। वहीं खनौरी बॉर्डर पर मरे किसान शुभकरण सिंह का अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। किसान नेता और परिवार उसे गोली से मारने वाले पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत नन्नेवाल ने किसानों पर फायरिंग करने वालों पर केस दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले पंजाब सरकार ने किसान के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और बहन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। अब तक किसान आंदोलन में जिन किसानों की मौत हो चुकी है उनके बारे में जान लीजिए। ज्ञान सिंह, जो 65 साल के थे, उनकी मौत 14 फरवरी 2024 को हुई। SI हरेलाल सिंह, जिनकी मौत 16 फरवरी को हुई, ये एक पुलिस अधिकारी थे। मनजीत सिंह, जो एक किसान हैं, इनकी मौत 18 फरवरी को हुई, जिनकी उम्र 72 साल है। SI कौशल कुमार, जिनकी उम्र 56 साल की है, उनकी मौत 20 फरवरी को हुई। SI विजय कुमार, जिनकी उम्र 40 साल है, उनकी मौत 20 फरवरी को हुई। शुभकरण सिंह, जिनका अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, उनकी मौत 21 फरवरी 2024 को हुई। दर्शन सिंह, जो 62 साल के हैं, उनकी मौत 22 फरवरी को हुई। अब कर्नेल सिंह, जिनकी उम्र 50 साल है, उनकी मौत 27 फरवरी को हुई। बता दें, पंजाब के किसान 12 फरवरी की शाम को ही शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए थे। 13 फरवरी की सुबह उन्होंने हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई। शंभू बॉर्डर की तरह खनौरी बॉर्डर और डाबली बॉर्डर में भी हालात नाजुक रहे। 14 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर झड़प के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर SLR से सीधी फायरिंग की। इसके बाद खनौरी बॉर्डर पर किसान और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच झड़प हुई। यहां किसानों ने जवानों के हेलमेट और लाठियां छीन ली। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।